अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक पायनियर अकाउंट बना सकते हैं विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। अगर आपके पास जैज कैश अकाउंट है विच इज़ इनफ और उसको आप यूज़ करते हुए अपना पायनियर अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल फुली वेरीफाइड, और उसके ज़रिए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स अपने क्लाइंट से या किसी भी मार्केट प्लेस से, चाहे वो फाइवर है अपवर्क है, वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो चले चल के देखते हैं इसको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से आप एक पायनियर अकाउंट बनाएंगे। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास जैज कैश ऐप जो है वो ओपन है। तो सिंपल आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पायनियर का, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद ये हमें ले आएगा कुछ इस तरह की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं और अपनी पेमेंट डायरेक्टली पायनियर से जैज कैश के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे सिंपल न्यू पायनियर अकाउंट और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। राइट, आर यू आप फ्री लांसर और ऑनलाइन सेलर एंड रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स? यस डेफिनेटली। और ये हमें ले जाएगा एक नेक्स्ट न्यू स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें जो भी डिटेल्स डालनी है वो बिल्कुल ओरिजिनल रियल डिटेल आपने डालनी है, कोई फेक डिटेल आपने नहीं डालनी, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप फैमिली मेम्बर्स में से किसी का यूज़ कर सकते हैं आईडी कार्ड। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल इसने मेरी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फेच कर ली हैं तौसीक हैदर, और मेरी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने फेच कर ली है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल अपना ईमेल डालना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे पास कैप्चा मौजूद है, इसको मैं सिंपल इस तरह से कुछ वेरीफाई कर लूँगा। और मैं यहाँ पे अपना ईमेल जो है वो दोबारा एंटर करना भूल गया, इसको मैं दोबारा से एंटर कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी डिटेल्स थी वो फिल आउट कर दी। फिल आउट करने के बाद सिंपल आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा, जो कि आपने सही से इनपुट करनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस जो है वो आपने डालना है। ओके, और यहाँ पे अपना सिटी नेम, यहाँ पे अपने सिटी का पोस्टल कोड। अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड नहीं मालूम तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके अपने सिटी का नाम लिख के और उसका जिप कोड या पोस्टल कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से लेके। और सिंपल यहाँ पे इन्होंने मेरा नंबर भी ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। और सिंपल मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट के ऊपर और ये हमें लेके जाएगा एक और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमें अपने पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मुझे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका क्या करना है, मुझे एक आंसर सेट करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर है, ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ वो आपका अकाउंट जो है वो एक्सेस कर पाएगा। तो सिंपल यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हमें आईडी कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, फैमिली मेम्बर्स में से किसी का आप आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आईडी कार्ड जो है वो लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो दो फील्ड्स हैं, यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है लोकल लैंग्वेज के अंदर। हमारे लोकल लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू के अंदर अपना नाम यहाँ पे आपने टाइप करना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखें हमने फर्स्ट नेम और इसको मैं कट करके यहाँ सेकंड फील्ड के अंदर डाल दूंगा, जो मेरा सेकंड नेम है। तो ये हमारे पास तौसीक हैदर उर्दू में आ गया। और सिंपल मैं इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लूँगा और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा। ओके, सिंपल क्लिक किया मैंने नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ये हमारा जो है वो फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप के ऊपर यहाँ पे देखें इसने मेरी जो ऑटोमेटिकली डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फेच कर ली। आई बैन नंबर मुझे इन्होंने खुद ने दे दिया और ये आई बैन नंबर सबका एक ही तरह का यही होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो आपने वेरीफाई कर लेना आपका आई बैन नंबर सेम है। तो सिंपल आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, एग्री कर लेना है और सिंपल क्लिक कर लेना है सबमिट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप लोग वेट करोगे, आपने जो ईमेल यूज़ की हुई है इस पे
रजिस्टर करने के लिए उसके ऊपर आपको पायनियर की तरफ से एक ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है, तो फिर आप उसी ईमेल को यूज़ करते हुए लैपटॉप से भी अपने पायनियर अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड देके, और मोबाइल से भी, और आपका यही अकाउंट सेम यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हैं JazzCash के अंदर, जो आपने पहले ऑप्शन देखा। अगर मैं वापस जाऊँ होम के ऊपर, तो यहाँ पे देखें ये लिंक अकाउंट पे, आप जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी, सिंपल आप अपनी डिटेल्स देंगे यहाँ पे और आपका वो अकाउंट यहाँ से लिंक हो जाएगा। आप अपने JazzCash से भी पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, पायनियर में से JazzCash के अंदर पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप JazzCash को यूज़ करते हुए अपना पायनियर अकाउंट बना सकते हैं अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट बैंक मौजूद नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली मैनर्स में पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।